हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपद एकेडमी। त्रिपद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, चाहे नए हों या पुराने हों, सब आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो आज हम फिर से आईपीयू पे एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको आईपीयू के डेट एक्सटेंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। और आईपीयू ने एक नोटिस भी निकाला है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अवेयर होने के लिए कह रहे हैं जो भी, तो वो नोटिस भी हम देखेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहे हैं आईपीयू। ठीक है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जानते इस चीज़ को तो आपके जो है लाखों रुपए इस चीज़ के चक्कर में नुकसान हो सकता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए हम सब कुछ देखते हैं, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को शायद पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है अभी तक तो कोई बात नहीं। वो ये है कि आईपीयू ने जो अपना डेट एक्सटेंड कर दिया है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो जो हमारा 30 सितंबर तक हम फिल कर सकते थे, वो अब जो है हम 11 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना डेट जो है एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, प्लस जो हमारा पिछले साल ऐसा होता था कि जो हम 1000 रुपीज़ जो है पहले पे करते थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद आगे फिर हम पैसे पे करते थे 1000 रुपीज़ काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, इस बार भी ऐसे ही था कि आपको जो 1200 रुपीज़ जो है 1200 रुपये आपको पहले पे करना था काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, और उसके बाद जाके आपको 1200 रुपये पहले पे करना था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद जाके आपको जो है 1000 रुपीज़ जो है, यानी कि 1000 रुपये जो है आपको फिर से पे करना था काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ने जो है इस बार क्या किया था कि मतलब पहले नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन 1200 रुपीज़ दे करके, तो उन्होंने उनके लिए निकाला था, ये आपको हमारी वीडियो में मिल गया था कि एक साथ आप जो है वो आप दोनों पे कर सकते हैं, यानी कि 1200 प्लस 1000 रुपीज़ जो है, यानी कि दोनों फी एक साथ पे करके आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेट एक्सटेंड हो चुका है वो 11 अक्टूबर तक है। तो 11 अक्टूबर तक जो है आपको ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद ये हाँ, एक और चीज़ है कि अब जब आप लॉगिन करेंगे अपना, आप पीछे देख पा रहे होंगे, आप जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, कि आप भाई अपना मतलब अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे चॉइस फिलिंग का सेवा आ रहा है, ये सब है। ठीक है, सबसे नीचे आप जाएंगे, पीछे देखने में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 चॉइस है। ठीक है ना, 0 फिलिंग है। तो बेसिकली ये बस दिखा रहा है, अभी आप फिल नहीं कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको दिखा होगा कि 11 अक्टूबर जो है 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो हम आपको हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो HSI में आ गया होगा इससे रिलेटेड, तो अभी आप जिन्होंने अगर नहीं भरा है इस चीज़ को तो जल्द से जल्द जाकर के भर लें ताकि सही रहेगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हमारे वीडियो पे मिस्टर राजीव सर ने आपको लगातार वीडियो आप दे रहे थे। ठीक है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट कोई बात नहीं है, है ना, मैनेज तो हो जाता है। ठीक है, तो वही सब वाली बात है, तो आपको मिल रहा होगा। और हाँ देखो, अभी बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, अगर आप हो सकता है जिससे आप हो जिसका आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके लिए पैनिक होने वाली बात नहीं है, आप वरीड ना हो, घबराए, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी किसी को भी नहीं छोड़ती है, सबका ही हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, काम डाउन, शांत रहो, रिलैक्स रहो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समय में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो कि आईपीयू ने एक नोटिस निकाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोटिस क्या है, ये 1 अक्टूबर को नोटिस रिलीज किया था आईपीयू ने। तो ये है कि देखो क्या है कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई चलो, आप भी होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं कि कितने है, मतलब आपके कितने आए, 12% आया है, 10 आया, 5 आया, 0 आया, कोई बात नहीं, हम आपको तो आईपीयू में एडमिशन दिला देंगे, आपको महाराजा एक्सचेंज में दिला देंगे या फिर USICT में दिला देंगे। भाई हम तो खुश हो जाते हैं कि हमें तो एडमिशन चाहिए, या तो हम ड्रॉप करके आए हैं तो हम तो ऐसे ही बुखलाए रहते हैं कि भाई अब क्या करेंगे, एडमिशन लेना लेना है, या मान लो कि जब हम फ्रेशर्स भी हैं, हम जस्ट 12th पास आउट के, तब भी सोचते हैं यार कहीं एग्जाम हमारा वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो हमें एडमिशन लेना होता है, तो हम इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये आपसे बोलते हैं कि भाई हम आपके एडमिशन करवा देंगे, हमें जो है बस आपसे मिठाई चाहिए, और मिठाई होता क्या है तो वो जो है आपके बहुत ज़्यादा ही ले लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, मिठाई बस नाम के लिए आपको खुश कर देते हैं, कहीं लगता है कि सच में मिठाई तो नहीं मांग रहे, लेकिन आपसे जो है वो 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख बच्चे से ले लेते हैं, तो आपको लाखों यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। वो बताते हैं कि हमारा सोर्स है तो उससे जो है हम एडमिशन करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा था, इतने में मेरे एक दोस्त का कॉल आया है, उसके भाई का भी जो है मतलब एडमिशन से रिलेटेड उसने मेरे से डाउट पूछा, उसके क्लियर हो गया, लेकिन वो भी यही बोला था कि क्या सोर्स से हो जाता है। तो साफ साफ आईपीयू ने जो है रिलीज किया नोटिस, आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इस बार जो है, इस बार की हमेशा से ही है, लेकिन इस बार साफ से इन्होंने दिखा दिया है, वो ये है कि आपका कोई सा भी जो है सोर्स आपका काम नहीं आने वाला है। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे होगा, तो आप अपने लाखों जो है 5 लाख 10 लाख रुपए वेस्ट ना करें, ऐसे किसी चक्कर में ना पड़े जिससे आपका पैसे वेस्ट होगा, आपके और आपके फैमिली मेंबर दोनों का पैसे वेस्ट होगा। तो होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपको हर एक चीज़। अगर कुछ भी रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमने नीचे नंबर भी दे दिया है, आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारे आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और क्या, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले भाई। एक और चीज़ देखो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो हम लोग आपका सिर्फ साथ इसलिए दे रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपका साथ सिर्फ एडमिशन तक देंगे, ऐसा नहीं है। आप जब कॉलेज में पहुंच जाओगे ना तब भी आप लोग हमारी जरूरत बहुत पड़ने वाला है, ठीक है। और ये चैनल जो है आपको आगे बहुत काम आएगा, ऐसा अभी नहीं देखना कि छोटा चैनल है तो आपको ये लग रहा है आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ मिल जाएगा, जो कि आपको हो सकता है कि अच्छे चैनल पे भी ना मिल पा रहा हो, ठीक है। क्योंकि आप जब जाएंगे कॉलेज में आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो कॉलेज में क्या होता है सब कुछ आपको पता चलेगा, एग्जाम्स कैसे होते हैं ये भी पता चल जाएगा, प्लस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सब पता चल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इस चैनल से अगर रिलेटेड रहते हैं, इस चैनल में हमेशा अपडेट रहते हैं, तो आप जो है आराम से अच्छे मार्क्स कॉलेज में भी ला सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सिर्फ बातों से पता नहीं चलता है, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा आगे, ठीक है। तो बस आज के लिए कितना काफ़ी है, सब कुछ है, तो बस भाई चैनल में बने रहो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन पता है कितना काम आता है। अगर मान लो भाई हम जब रहते हैं ना, कोई मान लो कुछ आपने भाई वीडियो देख लिया या कहीं से मोटिवेट हो गए हो, तो क्या होता है अगर भाई कोई क्वेश्चन होता है हमसे नहीं हो रहा होता है, हम उसे भी कर लेते हैं। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का भी एग्जाम्स आ रहा है, हम लोग का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी मुश्किल हो रही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रहा था, राजीव सर आपको अपडेट दे रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है तभी हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को वीडियो लगातार मिलते रहे, ठीक। तो इसीलिए जो है थोड़ा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, उससे क्या होता है कि मैं मन करता है कि चलो और बनाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर करो, ठीक है। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो लोगों का भाई कट जाता है, पता ही है, तो लुटना ही है अपने को, ठीक है। तो बस और क्या, तो ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। और मजे करो, खुश रहो, एडमिशन्स भी हो जाएगा, कॉलेज में भी जाओगे, मस्ती भी करोगे और रिलेशनशिप में भी आ जाओगे, ठीक है। बाय, सी यू, टेक केयर।